करके ये हेलमेट आता था, तो पहले मैं इसको यूज़ करता था मोटो ब्लॉग के लिए। एवरी सारे रील्स में आप लोग देखे होंगे मेरे सारे हेलमेट में यही है, तो ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था। और उसके अलावा फिर मैं अभी कन्वर्ट होके आ गया हूँ, ये है एक्सोर का 299 XBHP। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, और रील के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है। और बाकी अगर मैं इंस्टाग्राम में रील जो अपलोड करता हूँ, जो शूट करता हूँ, वो मैं GoPro 6 ब्लैक। और इसके फ़ायदे भी हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको लगा के फाइनल। तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग्स। मैं निशान खान, दिस इज द वॉच चैनल, इट्स आर्यन ब्लॉग। तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली बताना अपने अपने कमेंट बॉक्स में। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही सीधा हमारे अपने घर से यार, और बहुत ही अच्छी मौसम के साथ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, और आज की ये वीडियो घर पर ही है। आज की ये वीडियो सिर्फ मोटो ब्लॉग के ऊपर है गाइस। गाइस बहुत लोग मेरे से इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था, तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कौन सा मोटो ब्लॉग यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, हेलमेट यूज़ करते हो, आपके पूरा GoPro सेटअप हम देखना चाहते हैं, आप कौन से ऐप से अपने वीडियोस एडिटिंग करते हो, बहुत लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि मैं कौन से हेलमेट यूज़ करता हूँ, कौन सा मैं GoPro यूज़ करता हूँ, और कौन से ऐप से अपने यूट्यूब वीडियोस को एडिटिंग करता हूँ। तो आज सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिए। आप लोग भी अपना मोटो ब्लॉग सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू आराम से स्टार्ट कर सकते हो यार। तो यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को, और यहाँ पर है हमारा मोटो ब्लॉग का सेटअप पूरा, मैंने जमा के रख दिया है कि बस अभी आप लोग देख सकते हो हमारा पूरा सेटअप है। और मैं आप लोगों को सारी चीज़ बता दूंगा अपना कि मैं कौन से हेलमेट यूज़ किया हूँ, कौन सा मेरा GoPro है, कौन सा मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ रील के लिए, कौन सा मैं माइक यूज़ करता हूँ, और एडिटिंग ऐप भी आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हेलमेट से। तो हेलमेट एक्चुअल में ये मैं पहले वेगा का हेलमेट यूज़ करता था, तो और अभी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हेलमेट कुछ इस तरीके का है, ये हेलमेट गाइस उस समय बहुत चल रहा था यार। ये हेलमेट था वेगा का क्राउन, वेगा बोल्ट करके ये हेलमेट आता था। तो पहले मैं इसको यूज़ करता था मोटो ब्लॉग के लिए। एवरी सारे रील्स में आप लोग देखे होंगे मेरे सारे हेलमेट में यही है, तो ये मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था। और उसके अलावा फिर मैं अभी कन्वर्ट होके आ गया हूँ, ये है एक्सोर का 299 XBHP। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, और रील के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है। और बाकी अगर मैं इंस्टाग्राम में रील जो अपलोड करता हूँ, जो शूट करता हूँ, वो मैं अपने आईफोन से शूट करता हूँ। ये आईफोन ओल्ड मॉडल है, बट इसका कैमरा क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छा है। और बीच में अगर फरहान भी अभी आ जाते हैं तो उनका भी मैं आईफोन यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर एडिटिंग के लिए मैं टैब यूज़ करता हूँ, ओप्पो टैब। ये ओप्पो का है, मैकबुक नहीं है, बहुत लोग मैकबुक समझेंगे। ये ओप्पो का है, ओप्पो एयरपैड। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मोटो ब्लॉग की तरफ। मोटो ब्लॉग के लिए मैं ये माउंट का यूज़ करता हूँ, जो हेलमेट में कुछ इस तरीके का पूरा मतलब प्रॉपर फिक्स हो जाता है, इसको अंदर की तरफ से आपको बांधना पड़ेगा। तो और ये तो माउंट आप लोगों को पता ही होगा, इसमें GoPro एडाप्टर होता है, जो GoPro फंसता है इसमें। तो ये था, और आप लोगों को बता दो यार, आप लोग ऐसा ही कोई हेलमेट लीजिएगा, जो अगर आपका बजट होगा तो एक्सोर का लीजिए, और अगर आपका बजट नहीं होगा तो वेगा का भी ले सकते हो। अप्रॉक्स हेलमेट भी अच्छी कंपनी का ही आप लोग यूज़ करिएगा मेरे रेकमेंड के हिसाब से, क्योंकि ये सब ज़्यादा ज़रूरी है एक राइडर की सेफ्टी के लिए। उसके अलावा यहाँ पास आ जाते हैं भाई, एडिटिंग का तो मैंने बता दिया है। और मैं GoPro जो यूज़ करता हूँ मोटो ब्लॉग के लिए, वो ये है GoPro 6 ब्लैक। और अभी आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे इसके लेंस में, GoPro 11। अभी जिस वीडियो शूट कर रहा हूँ ना गाइस, ये है GoPro 11 और विथ मीडिया मोड के साथ। तो मैं आप लोग ऐसा नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं शूट किससे करूँगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये है, और इसके अलावा यहाँ पर इसके एसेसरीज हैं कुछ, ये मैं यूज़ करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये इसमें फिक्स होता है। उसके अलावा यहाँ पर GoPro का ओरिजिनल एडाप्टर यूज़ करता हूँ मैं, जो वॉइस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है मेरा GoPro का माइक, ये है बोया का माइक है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी इसकी वॉइस क्वालिटी है। आप लोग मेरे मोटो ब्लॉग में जाके एक बार चेक कर सकते हो इसका क्वालिटी। और उसके अलावा यहाँ पर दो बैटरीज हैं GoPro के, एक ओरिजिनल GoPro का बैटरी है जो मैं एक्सटर्नल लेके घूमता हूँ,
लेकिन ये इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। और उसके अलावा यहाँ पास एक बैटरी और है जिसका बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा लगा, ये डेजीटेक का है। इसको मैं पर्सनली लिया था लेकिन अभी तक इसका मैं प्रॉपर मतलब यूज़ नहीं कर पाया हूँ यार, लेकिन ये अच्छी खासी बैटरी बैकअप देती है। उसके अलावा यहाँ पास ये लेंस है, ये सबसे ज़्यादा लेंस इंपॉर्टेंट रहता है। ये लेंस एक्चुअल में GoPro 11 के लिए ही बना है, तो अभी मैं आप लोगों को इसको लगा के दिखा देता हूँ GoPro लेंस लगता कैसे है। और ये लेंस बहुत ही महंगा आता है, प्लस ये लेंस के फ़ायदे भी हैं अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको धूप में बात लगाई, अभी आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का इसमें शॉट आ रहा होगा। तो लेंस लगने के बाद का जो क्वालिटी वो इस टाइप का है, और लेंस को मैं रिमूव कर देता हूँ तो कुछ इस टाइप का आता है। तो मतलब लेंस के भी फ़ायदे होते हैं, तो लेंस को भी आपको अगर आप लोग का अच्छा मतलब कि बजट होगा GoPro लेने का या फिर अच्छा मोटो व्लॉग सेटअप खरीदने का, तो आप लोग ये सारी चीज़ सेटअप खरीद सकते हो एडिटिंग ऐप की तरफ। तो गाइस मैं एडिटिंग के लिए VN ऐप का यूज़ करता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत लोग उसको यूज़ करते होंगे अपने रील एडिटिंग के लिए। तो मैं भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए और रील्स एडिटिंग के लिए VN ऐप का यूज़ करता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो VN ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में या टैब में, तो आराम से इजीली तरीके से आप लोग अपने GoPro की वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो यार, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होती हैं। मैंने बहुत कुछ उससे सीख लिया है। अगर आप लोग का बजट नहीं होगा तो आप लोग फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो मोटो व्लॉग, क्योंकि मैं खुद गाइस अपने फ़ोन से स्टार्ट किया था मोटो व्लॉग सेटअप। धीरे धीरे करके मैंने GoPro को परचेस किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सेटअप बढ़ाया। तो अगर आप लोग का बजट अगर अच्छा होगा तो डायरेक्टली GoPro लो, और अगर आप लोग का बजट कम होगा तो आप लोग फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। फ़ोन का भी अमाउंट बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा सेटअप यूज़ करते हो, क्या क्या आप लगाते हो अपने GoPro में, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये था मेरा आज का मोटो व्लॉग सेटअप, मेरी है आज की वीडियो, और मिलते हैं हम लोग दूसरे एक नए व्लॉग में। अगर आप लोग इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे कमेंट पे जाके पूछ सकते हो, तो मैं उसका भी एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। अगर आप लोग इसमें कोई भी डाउट होगा तो कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी होगी तो आप लोग मेरे कमेंट्स पे जाके पूछ सकते हो यार, मैं उसमें आगे आप लोग को सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नए दूसरे व्लॉग में, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए दूसरे व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।